सबसे लाउड साउंड किसका है भाई? कांगड़ा टेनार वाले भाई, ये रही टेनार। डस्टबिन इंदौर के लोगों, इसलिए डस्टबिन का पूछ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमेक्स राइड। भाई ताइवान सीरीज के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है जब मैं फिर से मोटो व्लॉगिंग करूंगा। सुबह की 6 बजने वाली है और राइडर्स मुझे लेने के लिए आने वाले हैं। लगभग 8-8:30 बजे राइडर्स घर के सामने आ जाएंगे। 15 से 20 राइडर्स हैं और यहाँ से जाने वाले हैं हम लोग एक रेस्टोरेंट पे जो कि सीहोर रोड पर है, भोपाल सीहोर रोड पर। भाई आज का ये वीडियो ज़रूर देखना, काफ़ी टाइम बाद फिर से मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और भाई बहुत मज़े आने वाले हैं। सीरियसली गाइस, ताइवान सीरीज एंड हो चुकी है और मोटो ब्लॉगिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी है। डस्टबिन इंदौर के लोगों, इसलिए डस्टबिन का पूछ रहे हैं। कोई देवास वाला नहीं है क्या? क्यों, देवास वाला कौन है यार? वो देवास वाला आपके पास आ नहीं पा रहा है, यहीं पे पास में खड़ा है। जैसे ये खड़ा है, किससे पूछो? मतलब इंदौर के लोग डस्टबिन का पूछ रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। ताइवान के बाद ही पहला व्लॉग रहेगा सेवा करते हुए। सबसे पहले टेनार स्टार्ट होगी भैया। सबसे लाउड साउंड किसका है? लाउड कौन है? ये 300 का तो नहीं है। सबसे लाउड साउंड किसका है भाई? कांगड़ा टेनार वाले भाई, ये रही टेनार। फुल सिस्टम। और किसके पास है फुल सिस्टम? गाइस, तो बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ। ताइवान के बाद ही मेरा पहला व्लॉग है और अभी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने नया हेलमेट लिया है और ये जो हेलमेट है ना यार, एक्सोर का एम साइज है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। ऐसा लग रहा है मेरा किसी ने मुंह दबा दिया हो पकड़ के। सो गाइस, फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वेलकम बैक टू माई चैनल। भाई बहुत दिनों बाद राइड कर रहा हूँ भूसा की और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। सीरियसली इस बार नए हेलमेट के साथ ज़्यादा मज़े आ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतने दिनों बाद राइड कर रहा हूँ, पानी आता तो राइड कैंसिल हो जाती, पर बहुत अच्छा हुआ पानी नहीं आया। क्या हो रहा है, कुत्ते के गले में पट्टा डाला जा रहा है, निकाला जा रहा है? पट्टा निकाल रहे हैं भाई। अंकल पट्टा निकाल रहे हो तो ढीला कर रहे हो। तो गाइस, मैंने अभी अभी बोला है मोहन भैया से कि यार भाई सुपर बाइक में अब मुझे एग्जॉस्ट लग रहा है, हायाबूसा है और अगर एग्जॉस्ट नहीं हो तो मज़े नहीं आते हैं सीरियसली। तो अभी एग्जॉस्ट की मैंने बात करी है, मोहन भैया बोल रहे हैं आपकी बाइक में भी एग्जॉस्ट लगवा देंगे। देखते हैं यार भाई कितना टाइम लगता है। प्लानिंग कर ली है मैंने कि फाइनली मुझे एग्जॉस्ट लेना है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि हायाबूसा के लिए कौन सा वाला एग्जॉस्ट बढ़िया रहेगा। भाई बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं इतने दिन बाद राइड कर रहा हूँ तो। सीरियसली यार नहीं सोचा था कि ताइवान के बाद इतनी बढ़िया राइड करने का मौका मिलेगा। यार गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज मेरे पास क्या हुआ, एक बंदा आया और मेरा सब्सक्राइबर है, फॉलोअर है, मुझे काफ़ी टाइम से जानता है। तो यार उसकी ज़िद थी कि वो हायाबूसा के पीछे एज अ पिलियन राइडर बैठे और अभी जैसा कि हम लंबी राइड पर जा रहे हैं तो ये लगभग ये 300 किलोमीटर की राइड है और वो चाहता था मैं उसको बिठा कर ले जाऊँ, पर यार कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था। भाई रीज़न ये है कि यार उसकी उम्र कम है, 18 साल का लड़का है और हायाबूसा पर बैठने की बात कर रहा है, वो भी पिलियन सीट पर। तो अगर मुझे अगर झटका आएगा तो मैं हैंडल पकड़ सकता हूँ, पर अगर पीडियन राइडर को झटका आया तो भाई वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि तो यार उसे एक्सपीरियंस नहीं है सुपर बाइक पर कैसा बैठा जाता है। उसने मुझसे बहुत ज़िद करी, मेरी इच्छा थी कि ले जाऊँ पर मैंने सोचा यार रिस्क हो जाएगी,
और फिर भी बंदे के नसीब अच्छे थे, बंदे को जगह मिल गई, एक दूसरी बाइक वाले ने उसे एज अ पीरियल राइडर बैठा लिया। तो भाई वो ये चीज़ बढ़िया हो गई, क्योंकि जिस बाइक पर वो बैठा है ना वो सुपर बाइक नहीं है। सॉरी यार, थोड़ा बोलने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरे मुंह में किसी ने गुटखा रख दिया हो। प्रॉब्लम ये कि इस हेलमेट ने ना यार मेरे दोनों गाल को खतरनाक तरीके से प्रेस कर रखा है। सोच रहा हूँ इसको 250 पर ले जाऊँ आज, पर मुझे उम्मीद दिख नहीं रही क्योंकि रोड ऐसा मिलता नहीं है। अभी ज़रा सा जो मुझे रोड मिला है ना यार, यही रोड ऐसा है, लगभग मैं 140 ले जाऊँगा और ये रोड ख़त्म हो जाएगा। ये भाई 140 गई और ये रोड ख़त्म हो गया और ये टर्न आ गया। अगर ट्रैक पे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है तो डेफिनेटली इस बाइक को मैं 300 टच करके बताऊंगा, और अपने आप में एक वो बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि बहुत कम बंदे ऐसे हैं जिन्होंने हायाबुसा की टॉप स्पीड को इंडिया में टच किया है। मैं ये नहीं बोलता बंदे नहीं हैं, बंदे हैं, पर कम बंदे ऐसे हैं। भाई जिस तरह से एरोप्लेन पिकअप पकड़ता है ना, उससे ज़्यादा पिकअप पकड़ लेती है हायाबुसा रोड पर। अब आप अंदाज़ा लगा लो, प्लेन जो टेक ऑफ करता है लगभग 200 की स्पीड पर टेक ऑफ करता है, पर 200 पहुंचने में प्लेन को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और ये बाइक 200 पहुंचने में भाई 8 से 10 सेकंड भी नहीं लगाती है। ये भाई देखते ही देखते 170 हो गई। भाई थोड़ा सा भगाना पड़ेगी अब बाइक को। यार राइडर तो बहुत आगे निकल गए हैं भाई। 160, 180, भाई 200 टच हो गई, 210 पूरा। भाई भाई हायाबुसा का यही कमाल है, राइडर बहुत आगे निकल चुके थे, बाइक को थोड़ी देर के लिए 200 पे ले गया और सामने मुझे राइडर नजर आ रहे हैं। अगर हायाबुसा हो तो किसको नहीं पकड़ सकते आप। भाई मैं तो बोलूँ अगर हायाबुसा है तो आप एरोप्लेन को भी पकड़ सकते हो, लेकिन टेक ऑफ के पहले एक बार भाई जो प्लेन टेक ऑफ कर गया ना, फिर तो हायाबुसा कुछ नहीं कर सकती। ओके गाइस, तो ZX10R वाले भाई से रेस लगाने वाला हूँ, एक बार और रेस लगाएंगे। एक बार और, रुको रुको रुको, एक बार और, ठीक है रुको रुको। भाई हरा दिया, पूरा ZX10R को हरा दिया भाई हायाबुसा थर्ड जनरेशन ने, गजब यार। हालांकि अपनी बूसा भी किसी से कम नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें फुल सिस्टम नहीं है अभी। भाई इधर फिर आ गई, ये लाल परी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है भाई। भाई ग्रुप की सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि देखो यार यूनिटी कितनी होती है। बीच में से वो आयसर गाड़ी जो है ना वो क्रॉस कर रही थी, तो बंदे ने हाथ दे दिया पीछे वाले को कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाना, गाड़ी क्रॉस कर रही है। ये चीज़ सबसे अच्छी होती है जो कि आपको सोलो राइड में नहीं मिलती है, ग्रुप के अंदर यही ब्रदरहुड होना चाहिए और इसी चीज़ की ज़रूरत है। भाई क्या साउंड आ रहा है ZX10R का, लगता है अपने को भी थोड़ी भगानी पड़ेगी गाड़ी। बहुत हो गया, आप 100-125 बहुत खेल लिए, अब 200 पार खेलेंगे, जो होगा देखेंगे। अरे भाई 200 का बोला, मैंने तो 80 कर ली। भाई दोनों सामने जो बाइक दिख रही है ना, दोनों 4 सिलेंडर है, एक है 650 और दूसरी ZX10R, एक होंडा और एक कावासाकी। और भाई मैं आप लोगों के लिए इस रेस को कवर कर रहा हूँ। भाई ZX10R वाला जीत गया, 650 हार गई, सॉरी। भाई दोनों बंदे पूरे मूड में लग रहे हैं रेस लगाने के लिए, दोनों एक बार फिर से रेस लगाएंगे, दोनों ताव ताव में, देखें अब कौन जीतता है। इधर है ZX10R, इधर है 650। अरे लगाओ ना यार कोई तो रेस लगाओ, तो दोनों को जोश चढ़ चुका है। दोनों एक दूसरे को भूल ले रहे हैं। देखो भाई कैसे कर रहे हैं, दोनों तैयार बैठे। हो गई भाई, हो गई, हो गई। अरे भाई भाई मैं आप लोगों के लिए कैमरामैन बन गया हूँ, कवर कर रहा हूँ दोनों की रेस को। 650 वाला हूल ले रहा था कि आ जा मुझसे रेस लगा ले, और ZX10R वाला तो वही तैयार ही बैठा है।
मुझे हाथ दे रहा है। भाई मुझे बुला रहा है अब कि आजा तू भी रेस लगा ले। चलो भाई लगा लेते एक बार। रुको भाई अब करते हैं रेस। गियर चेंज। भाई टर्न पे मैं नहीं ले पाता हूँ यार, ये कैसे घुमा लेते हैं। और भाई 200 पार हो गया बंदा। 200 पार तो मैं भी हो गया यार। भाई जो नए राइडर है ना प्लीज यार, जो 18-19 साल के लड़के हैं वो देख के ज्यादा उत्साहित ना हो। जिद करते हैं घर वालों से सुपर बाइक हम भी लेंगे, रेस लगाएंगे। पावर अपनी भूसा का भी कम नहीं है, बस दिक्कत ये है कि भाई थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं भाई, तो कहीं ना कहीं भाई को तजुर्बा ज़्यादा है। जी क्या हुआ? एक नंबर जा रही है। कहाँ के हो आप लोग? कहाँ के हो? भोपाल? तो चश्मा लग गया मतलब। बिल्कुल ओके, थैंक यू सो मच। इनको करा ना ड्रीम एक्स राइड। भाई निकल गया आगे, पहले तो मैं ही आगे निकला था, बाद में आगे हुआ है। एक्चुअली मैंने थ्रोटल छोड़ दिया था। ओके गाइस, तो डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। जो लास्ट टाइम आए थे ना उससे अलग है डेस्टिनेशन। ये खड़ी भाई सारी सुपर बाइक्स हमारी, हालांकि कुछ बाइक्स हैं कुछ सुपर बाइक्स हैं। भाई सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ, ये जो तीन टेबल आपको दिख रही है, 1, 2 और 3, तो तीन टेबल तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ हमारे हेलमेट्स और एसेसरीज रखने के लिए चाहिए, और बाकी की वो दो तीन टेबल हम लोगों को बैठने के लिए चाहिए। मतलब यार अगर हम कहीं जाते हैं ना तो ज़्यादा जगह घेरते हैं, आप देखो क्या स्थिति हो गई है। तो ये तीन टेबल सिर्फ इसलिए है कि हम लोगों का यहाँ सामान रखा रहेगा, कोई भी नहीं आएगा, और बाकी दूसरी तीन टेबल लगेगी हम लोगों को नाश्ता करने के लिए। तो भाई जब बाइकर्स निकलते हैं ना और राइड करते हैं तो यार होटल मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि इनको सफिशियंट टेबल और स्पेस मिल जाए। ओके गाइस, तो यहाँ पर दो राइडिंग जैकेट है हमारे पास में, हम टेस्ट करने वाले हैं किसकी राइडिंग जैकेट ज़्यादा पावरफुल है। भाई टेस्ट कैसे करते हैं राइडिंग जैकेट को ये बताओ सबसे पहले, कंधे से कंधे लड़ा के। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ से निपट गए हैं सोल रिट्रीट से। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है, पोहे जलेबी और कॉफ़ी। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं, नज़ारा कुछ ऐसा है, दिन की 11:30 बज रहे हैं और भाई ये भोपाल बाईपास पे है सोल रिट्रीट। तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मुझे अच्छा लगे यहाँ के, पोहे भी बढ़िया हैं, जलेबी ठीक ठाक है।